प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। इस प्रॉब्लम को आप सूत्र की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। आज की हमारी प्रॉब्लम है सिद्ध करो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हमारे लिए सिद्ध करना है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का गुणनफल साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होता है। क्लियर? तो देखिए इस प्रॉब्लम को हम LHS से हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लिया LHS। LHS हम पूरा का पूरा जैसा है वैसा उतार लेंगे। तो LHS द्वारा हमने साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब जैसा कि आप जानते हैं साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसलिए इस साइन ए प्लस बी के स्थान पर हम लगा सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू ये आ जाएगा। फिर आप जानते हैं साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसलिए इस साइन ए माइनस बी के स्थान पर आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस साइन माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए जो राशि यहां पर है बिल्कुल ठीक वही राशि यहां पर है और जो राशि यहां पर है बिल्कुल ठीक वही राशि यहां पर है। केवल अंतर यह है कि यहां पर पॉजिटिव का निशान है और यह नेगेटिव का निशान है। इसलिए आप बीजगणित की एक सरल रूपका जानते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस सर्वसमका का प्रयोग करके हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा साइन ए कॉस बी का होल वर्ग माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का होल वर्ग। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर जैसा कि आप जानते हैं यदि एक्स वाई का होल वर्ग लिखा हुआ है तो इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो इसी नियम के आधार पर हमने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस ये आ जाएगा और इस नियम के आधार पर इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्लियर? यहां तक आपको मेरे विचार से स्पष्ट हो गया होगा। अब आप आंसर में देखिए आंसर में आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लाना है अर्थात ना तो कॉस स्क्वायर ए लाना है और ना कॉस स्क्वायर बी लाना है। इसलिए हम प्रयास ये करेंगे कि यहां पर हमारा जो कॉस स्क्वायर बी आया है और यहां पर कॉस जो कॉस स्क्वायर ए आया है ये किसी प्रकार से साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी में परिवर्तित हो जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं एक सर्वसमका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ए। इस सर्वसमका में यदि हम साइन स्क्वायर ए को LHS से RHS में स्थानांतरित कर दे तो हमें फल प्राप्त होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर ए। और इसी प्रकार से अगर हम ए के स्थान पर बी लगा देंगे तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस नियम के आधार पर इस कॉस स्क्वायर बी के स्थान पर तो हमने लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर बी और इस कॉस ए के स्क्वायर पर इस नियम के आधार पर लिख दिया हमने वन माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए आई एम सॉरी इस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर लिख दिया हमने वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसकी अब तो इससे क्या फल प्राप्त होता है साइन स्क्वायर ए इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस ये आ जाएगा और साइन स्क्वायर ए वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब एक राशि ये है और एक राशि ये है इन दोनों को गुणा है और एक राशि यह है और एक राशि यह है इन दोनों की गुणा है। तो हम जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और जब इससे हम गुणा करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। लेकिन चिन्ह पहले लगा हुआ है माइनस का इसलिए अंतर के निशान परिवर्तित हो जाएंगे मतलब हमारे लिए फल प्राप्त होगा माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस
साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अगर इस मानस के चिन्ह है और इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमें पद प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। यहां पर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी जो है वह निगेटिव है और यहां पर आपका साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी वे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है आपका, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा और आपको शेष जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अर्थात हमने LHS में चले नियमों सिद्धांतों सर्व समीकरणों के आधार पर गणना करते हुए हमने देखा कि LHS का मान जो है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर है और हमें RHS में यही लाना था और अर्थात हमें यही सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे बराबर RHS प्रूव्ड है। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वह सॉल्व हो जाता है। आप करने का प्रयास कीजिए, इस सूत्र को याद कर लीजिए, इसको सूत्र की तरह भी प्रयोग करते हैं और ये बहुत ही उपयोगी सूत्र है। जितने आपको अधिक सूत्र याद होंगे उतना आप गणित के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज के प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।